गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा कि मैं अपनी बाइक की मोटिवेशन कराने जा रहा हूँ कांगड़ा। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने घर, वहाँ पे अपना सामान वगैरह लूँगा और उसके बाद मैं निकलूँगा अपने कज़न के घर धर्मशाला, वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करके एंड सुरेंद्र को पूछूँगा कि तूने चलना साथ में, तो वो ठीक है। अगर वो नहीं चला तो मैं अकेला ही जाऊँगा हेलमेट गैलरी कांगड़ा एंड वहाँ पर मैं अपनी बाइक की मोटिवेशन कराने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या सीन रहता है एंड बाइक की काफ़ी मैं आज मोटिवेशन कराऊंगा जितने भी मेरे से हो पाएगी, क्योंकि मेरी आज पूरा दिन मैं फ्री हूँ। मेरी ड्यूटी जो है वो नाइट है, मैं पूरा दिन फ्री हूँ, तो मैं यही सोच के निकला हूँ कि पूरा दिन आज फुल इन्जॉय करूँगा एंड अपनी बाइक की मोटिवेशन कराऊंगा। तो देखते हैं क्या क्या मोटिवेशन कराते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपका सीधा बाइक पे। यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत मैंने इसलिए की क्योंकि ये एरिया जो मेरे को बहुत ही मस्त लगता है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे एक बार रुकते एंड यहाँ पे फोटो वगैरह शूट करते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं हम जल्दी से फुल पावर एंड सबसे पहले मैं घर ही निकलता हूँ यार, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सामान है वो लूँगा एंड फिर जाऊँगा सीधा कज़न के घर। तो अभी टाइम हो रहा 6:30 और आप यही सोच रहे होंगे कि बंदा सुबह सुबह निकल गया यार राइड पे। तो मैंने सुबह सुबह इसलिए जाना ठीक समझा क्योंकि यार ट्रैफिक वगैरह होता नहीं और टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है एंड रोड भी खाली होता, आप देख ही सकते हो। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं घर एंड सबसे पहले मैं पी रहा हूं चाय, देख सकते हो। और चाय मैं इसलिए स्टील के गिलास में पी रहा हूं यार क्योंकि इस गिलास में चाय ज़्यादा ठंडी रहती है जल्दी देर, और अगर चीनी मिट्टी का हो या कांच का गिलास हो फिर तो यार उसमें चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मैं जल्दी से चाय पीता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से फुल पावर के साथ। गाइस रोड है बिल्कुल खाली एंड मन तो करा यार लास्ट गियर डाल दूँ एंड फुल थ्रोटल दे के बाइक को खींच दूँ यार। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका धर्मशाला को, तो अपने कज़न के घर एंड मौसम का हाल भी देख सकते हो, बिल्कुल यार बेकार रखा, पता नहीं कब बारिश हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कैसी रहता है। घर वाले यार सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह कहाँ चला है लड़का, कोई सी नहीं, बाइक को लगाते हैं साइड पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ हेलमेट गैलरी कांगड़ा, तो सुरेंद्र को पूछ लेते हैं यार चलना तूने हेलमेट गैलरी। तो ये भी तैयार हो गया, तो जल्दी से तैयार हो गया जो मेरे को पीछे मिलना, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रहा सुरेंद्र, तो जल्दी से चलते हैं फुल पावर। हेलो गाइस, हम पहुँच चुके हैं हेलमेट गैलरी एंड यही दुकान। तो अभी बाइक्स लग रखी है लाइन में एंड भाई साहब गए हैं कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह करने, तो उनका वेट करना पड़ेगा। सो जब तक नहीं आते तब तक हम कर लेते हैं वेट एंड मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी हम आ रखे हेलमेट गैलरी एंड आप देख ही सकते कितने सारे हेलमेट यहाँ पे लगा रखे एंड काफ़ी वैरायटी यहाँ पे, एग्जोर वगैरह कंपनी का हर एक आपको, स्टील बेल्ट कंपनी, अदर कंपनी जो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, सस्ता है महंगा जो भी हेलमेट लेना चाहिए आपको मिल सकता है। एंड हमने अपनी बाइक की मोटिवेशन कराने आए यहाँ पे, तो हमने इसमें ओनली अभी दो मोटिवेशन कराने जा रहे हैं, तो वो हमने प्रोडक्ट जो हमने चूज करके है तो बाइक को लेंगे यहाँ पे एंड उसके बाद पार्ट जो डालना शुरू हो जाएगा। बस एक काम हमारा अच्छा हो गया और एक काम हो गया है बुरा, वो ये है अच्छा ही हो गया कि हमारे फोक लाइट जो वो बिल्कुल इंस्टॉल हो गए अच्छी तरह से, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। एंड मिरर की बात आई तो एक मिरर लगा एंड एक मिरर लगाई नहीं क्योंकि इसका जो नट है वो लूज हो चुका है एंड वो खुल नहीं पा रहा था। सो अभी वेल्डिंग भाई गई शॉप पर जाएंगे एंड वहाँ पर कुछ जुगाड़ करके इस नट को खोलेंगे एंड फिर हमारे पास मिरर तो हम ले आए हैं, उसको हम इंस्टॉल करेंगे घर जाके, करते हैं देखते हैं कैसी रहता है। तो पहले हमें जाना पड़ेगा वेल्डिंग की शॉप पर एंड उसके बाद पुलिस कहाँ से आ गई रे है? तो मेरे हिसाब से भी नाका लगाने लगे यहाँ से, तो सुनीते मेरे पीछे बैठा है यार, उसने हेलमेट वगैरह नहीं डाला, तो यहाँ से हम फुल पावर के साथ भाग लेते यार। तो भाई ले गाइस आज अपनी बाइक की हो रखी है मोटिवेशन स्टार्ट। तो आज की मोटिवेशन है हमने करा रखा ये मिरर, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम रही कि ये दूसरे वाला मिरर लगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एक नट होता है ये वाला नट जो वो काफ़ी लूज हो चुका है तो खुला नहीं। अगर वेल्डिंग की शॉप में जाएंगे इसको कट वगैरह मरवाएंगे एंड फिर ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह से, तो फिर बाइक देखने में और ही ज़्यादा मस्त लगेगी। एंड एक और मोटिवेशन आज हमने करा रखी है वो है ये फोक लैंप, तो फोक लैंप लगा रखे ये दो,
तो इनकी ब्राइटनेस काफ़ी है, एक येलो है एंड एक वाइट है, तो देखने में काफ़ी मस्त लग रहे हैं। एंड मैंने इनको यूज़ किया तो इनकी ब्राइटनेस भी काफ़ी मेरे को देखने में लगी। तो ठीक है आज की वीडियो को मैं यही एंड कर लेता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी वीडियो करना लाइक शेयर कमेंट, और आपने तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय चलें, टेक केयर, सेफ रहिए, सेफ ड्राइव करें, अपना ख्याल रखें एंड अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। एंड अब को देखो कैसे इसको मार पड़ गया, अभी चुपचाप हो रखा है। एंड अभी को देखो साइकिल लेके कैसे खेल रहा है। क्या हुआ, किसने मारा, किसने मारा? तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।